morning, students. Hope you are fine. This is your GK class, and we have read the three pages in our last session. So let's begin with the fourth one. That is bookworm. Bookworm means होता है किताबी कीड़ा, यानी कि जो बुक से बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं. Like आप में से भी कुछ लोग होंगे जिसे सारा दिन पढ़ना पसंद रहता है. So हमारा ये टाइटल उसी पे बेस्ड है. So, हमारे पास इस पेज में बच्चे बहुत सारे बुक्स के नेम मेंशन है. उन बुक्स को किन किन ने लिखा है, क्या राइटर्स कौन कौन से राइटर रहे हैं, तो हमें उन राइटर्स के नेम मेंशन करने हैं. एंड द मेन थिंग इज दिस कि हमारे पास नीचे क्लूज गिवन है. आप अपने पेज में बिल्कुल नीचे डाउन पे चेक करो, आपके पास क्लूज गिवन होंगे. सो वो क्या है, राइटर्स के नेम है. सो आपको उनमें से छांट के चूज करके आपको यहाँ पे फिल करना है. तो आप चूज कैसे करोगे, अगर आपने इनको सुना होगा पहले, आपने देखा होगा कि इस बुक को आपने पढ़ा है या आपने सुना है, तो ही आप बता सकते हो. अदरवाइज आपको उनको लर्न करना पड़ेगा. तो फर्स्ट है हमारे पास महाभारत. महाभारत आप सबने देखी है. अभी लॉकडाउन के अंदर हमारे पेरेंट्स ने या हमने किसी न किसी वे में महाभारत को देखा है. बट क्या आपने जानने की कोशिश की कि महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास. वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था. इसी तरह से माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ को किन्होंने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने. जंगल बुक. जंगल बुक को किसने लिखा है? रडयार्ड किपलिंग. जंगल बुक इज एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर यू चिल्ड्रन. इसमें क्या है, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा. तो इनको लिखा किसने? रडयार्ड किपलिंग ने. वैसे आपके पास आपको मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, मेरी राइटिंग आपको ठीक लगेगी. इनकेस अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो आपके पास नीचे गिवन है, आप इजीली वहां से अपने स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हो. फोर्थ वन इज गीतांजलि. गीतांजलि को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. रविंद्रनाथ टैगोर. इन द सेम वे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की डिस्कवरी नाम की बुक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने. द सेम ही रामायण हम लोगों ने देखी है लॉकडाउन में. तो रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने. VALMIKI वाल्मीकि. प्लेइंग इट माय वे ये बुक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर जी ने. सचिन तेंदुलकर जी से आप भली भांति वाकिफ हैं, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं. तो इन्होंने इस बुक को लिखा है प्लेइंग इट माय वे. इसी तरह से पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा जी ने. इन द सेम वे नॉडी सीरीज कार्टून सीरीज आप सबने देखी होंगी या पढ़ी होंगी, देखी तो जरूर होंगी. तो इन्हें लिखा किसने है? एनिट ब्लाइटन ENIDBLYTON. लास्ट है हमारे पास बट नॉट द लीस्ट ट्रेजर आइलैंड. इन्हें किसने लिखा है? RL Stevenson. ट्रेजर आइलैंड हमारा लास्ट जो हमारी बुक का नेम है, उन्हें लिखा है RL Stevenson जी. तो बच्चे हमारे पास नेक्स्ट पेज है जो हमें फिल नहीं करना, हमारी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया इन इंग्लिश लैंग्वेज देर आर वर्ड्स और फ्रेजेज विच कैन बी रेड बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड्स. दीज आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स. फॉर एग्जाम्पल सीज एव मैडम. मतलब कि ऐसे वर्ड्स बचे जिनकी स्टार्टिंग और लास्ट सेम अल्फाबेट से हो और उन्हें हम प्रोनंसिएट भी ऐसे ही करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीज ऐसे स्टार्ट है, एस पे फिनिश है. ई से स्टार्ट है और ई पे फिनिश है. मैडम एम से स्टार्ट है और एम पे ही फिनिश है बच्चे. तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स. इन द सेम वे अ कंगारू वर्ड इज अ वर्ड यूज्ड और कैरीज विद इन इट्स स्पेलिंग इन नॉर्मल ऑर्डर. अ स्मॉलर वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग सिनोनिम एज द वर्ड इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑब्जर्व कैरीज द वर्ड सी विच हैज द सेम मीनिंग. देखो बच्चे कंगारू हमने सुना हुआ है, लेकिन यहाँ कंगारू वर्ड है. कंगारू वर्ड क्या होता है बेटे? जैसे हमारे पास एक वर्ड है, उसको हमें छोटा बोलना है, उसका हमें सिनोनिम बनाना है. फॉर एग्जाम्पल आपको जब टीचर कुछ लिखवाती है, आपको उसको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई वर्ड आपको लर्न नहीं हो रहा, तो पूछते हो ना अपनी ट्यूशन टीचर से या अपनी मैडम से या अपने सर से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी कि मम्मा इसकी जगह कुछ और आ सकता है क्या? तो वो क्या है, एक कंगारू वर्ड है कि हम उसके प्लेस पे कोई छोटा वर्ड यूज करें, लेकिन उसका मीनिंग हम उसके जैसा बोल सकते हैं, उसका मीनिंग अप्रोक्सीमेशन में सेम है, सिनोनिम जैसा है.
तो उन वर्ड्स को बोलते हैं बच्चे कंगारू वर्ड. स्पेशल टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स गिव एन आइडिया ऑफ द साउंड इटसेल्फ. रीड द फॉलोइंग टू फाइंड आउट द सेम. अब हमारे पास कुछ दिया हुआ है. स्पेशल टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट साउंड है. फॉर एग्जाम्पल फिज ऑफ लेमनेड. अब लेमनेड आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक भी बॉटल भी आप खोलते हो तो उसमें फिज ऐसे आवाज आती है ना. सो उन चीजों की वो स्पेशल प्रोनाउंसिएशन को वो एक प्रॉपर नेम दिया गया है. फिज ऑफ लेमनेड. क्लिंकिंग ऑफ कॉइन्स. कॉइन्स क्या करते हैं? क्लिंक करते हैं. जिंगल ऑफ बेल्स. बेल्स की क्या होती है? जिंगलिंग होती है. पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स गिरते हैं हमें आवाज कैसे आती है? पिटर पैटर. बीट ऑफ अ ड्रम. ड्रम की क्या होती है? बीटिंग होती है. चाइम ऑफ क्लॉक. क्लॉक की क्या होती है? चाइम. ब्लास्ट ऑफ एन एक्सप्लोजन. कुछ चीज फूटती है, कोई पटाखा है, क्रैकर है, एक्सप्लोज होता है तो उसको क्या होता है? ब्लास्ट बोलते हैं. स्लैम ऑफ अ डोर. डोर का क्या होता है? स्लैम. डोर का बंद होना, पटकना, दैट इज स्लैम. हॉलिंग ऑफ विंड. विंड की आवाज आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम डर जाते हैं भूत वाली आवाज, लेकिन वो हॉलिंग है, वो विंड का साउंड है, दैट इज हॉलिंग ऑफ विंड. जूमिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट को जब वो लैंड करता है, एयरक्राफ्ट है, देन दैट इज जूमिंग. द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एक्रोनाइम. एब्रीविएटेड. जैसे कि बच्चे आप एग्जाम्पल को ईजी लिखते हो ना, एक्सरसाइज को ए एक्स लिखते हो ना, सो दैट इज एक्रोनाइम. दैट इज एब्रीविएटेड फॉर्म. इट कैन बी रेड एज अ वर्ड इन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को, इट इज रेड एज अ वर्ड ऑल्सो एंड कैन बी एक्सपेंडेड एज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसको इसने शॉर्ट फॉर्म में बोला यूनेस्को, दैट मीन्स इट्स द एक्रोनिम. ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल आपको यही मैंने बताया कि आप अगर एग्जाम्पल को ईजी लिख रहे हो, एक्सरसाइज को एक्स लिख रहे हो, दैट इज एक्रोनिम, दैट इज एब्रीविएशन फॉर दैट. नेक्स्ट पेज देखो बच्चे, हमारे पास है प्लेस देम करेक्टली. हमारे पास देखो कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. पिक्चर्स में मेन नेम्स मेंशन है, क्रश क्रैच हो गया, स्टेडियम हो गया, सेनेटोरियम हो गया, ग्रीन हाउस हो गया. इन पिक्चर से हमें नीचे बेस्ड क्वेश्चंस लिए हुए हैं और हमें उन क्वेश्चंस को देख के फाइंड आउट करना है कि ये प्लेस किसका है. फॉर एग्जाम्पल अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट. हमें नहीं पता हो सकता कि जहाँ पे बीज रखी जाती हैं, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता अब वो इसमें से ढूंढो पिक्चर कहाँ पे दिख रही हैं उनको बीज. अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट आर नोन एज एपियरी. एपियरी. अब एपियरी क्या है? एक प्लेस है जहां पे बीज को रखा जाता है. हमारी ये वाली पिक्चर, दिस इज सेवेंथ वन. दिस इज यूज फॉर कीपिंग बीज. इन द सेम वे अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी. एवियरी जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है. अब हमें ये ओपन सा ग्रीन सा एरिया दिख रहा है, यहां हमें लग रहा है कि हाँ बर्ड्स को यहाँ रखा जा सकता है, तो इनको बोलते हैं एवियरी. A place where animals can live in their natural surroundings and it is protected by law. मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे animals खुले में easily रह सकते हैं, natural surroundings के बीच रह सकते हैं और law भी उनको इसलिए इसके लिए इजाजत देता है, उनको protect करता है. That is called sanctuary. A daycare for very young children. Daycare बच्चे यानी कि suppose parents बहुत busy हैं, मम्मा पापा बहुत बिजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स घर पे नहीं हैं या ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, तो बच्चे को संभालने के लिए कोई चाहिए होता है. सो एट दैट स्टेज पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को उस टाइम स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि बच्चा उस एज का नहीं हुआ है. सो एट दैट टाइम बच्चों को भेजा जाता है क्रेच में. अब वहाँ पर क्या होता है? बच्चे की पूरी केयरिंग होती है और पूरा दिन बच्चा वहाँ रहता है, दैट इज क्रेच. अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड एंड केप्ट टू रिकवर. एक ऐसा प्लेस जिसे हम हॉस्पिटल का नाम ले देते हैं, बट अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाता है एंड आर केप्ट टू रिकवर और उन्हें ठीक किया जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज सेनेटोरियम. सेनेटोरियम. अब यहाँ आप देख रहे हो पिक्चर में आपको बेड्स लगे दिख रहे हैं ना, सो दैट इज सेनेटोरियम. अब आप ये भी बोल सकते हो कि बेड तो इसमें भी लगे हुए हैं, तो मैम ने इसको क्यों बोला और इसको क्यों नहीं बोला. अब इसको ध्यान से देखो, आपको इसके अंदर यूनिफॉर्म टंगी हुई नजर आएंगी. आगे पढ़ेंगे उसके लिए क्या है. स्पोर्ट्स एरेना विद सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स. अब आपको ये तो सबको पता है कि स्पोर्ट्स की एक प्लेस है जहाँ पे स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, दर्शक बैठ के इजिली गेम देख पा रहे हैं, सो दैट प्लेस इज कॉल्ड स्टेडियम.
अ ग्लास बिल्डिंग वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड. ग्लास बिल्डिंग, आपको पता है कि ग्रीन हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को या प्लांट्स को रखा जाता है, वो प्रॉपर ग्लास बिल्डिंग होती है फॉर द प्लांट्स स्पेशली. दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस. अ बिल्डिंग टू अकोमोडेट सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए बिल्डिंग है भाई, सोल्जर्स के लिए बेड्स यहाँ लगे हैं, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म भी है. दैट इज फॉर सोल्जर्स. सो दैट प्लेस इज नोन एज बैरक्स. प्लेस इज बैरक्स. देखो बच्चे, हमारा आज का लास्ट पेज है न्यूमेरिकली योर्स, मतलब कि हमारे पास नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो नंबर्स की फॉर्म में ही हैं. फ्यू इडियम्स बेस्ड ऑन नंबर्स आर गिवन बिलो. फाइंड देयर मीनिंग्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड. हमारे पास बच्चे कुछ इडियम्स दिए हुए हैं. इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स आर एक्सप्रेशंस दैट मेक अ लैंग्वेज इंटरेस्टिंग, मतलब लोकोक्तियाँ, यानी कि हम अपनी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता. सो हमारे पास ये सीखने के लिए है. अगर हमने कभी इन चीज़ों को सुना नहीं है तो हमारे पास एक मौका है, हम इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं और इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट है वन एंड ऑल. वन एंड ऑल एक इडियम है जिसकी जगह एक नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग है एवरीवन. हमारे पास इडियम के फॉर्म में ये गिवन है, हमें नॉर्मल इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखना है कि नॉर्मल इसका मीनिंग होता क्या है. सो वन एंड ऑल का मीनिंग है एवरीवन. सो हमने अगर बात करनी है, प्लीज लिसन टू मी, अगर हम बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी एवरीवन, सब ध्यान से सुनो, इट्स ओके. लेकिन अगर हम बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी वन एंड एवरीवन, वन एंड ऑल, सो दैट विल बी बेटर देन दैट. सुनने में अच्छा लग रहा है वन एंड ऑल, प्लीज लिसन टू मी, सब सुनो, आप और सब सुनो, सुनने में अच्छा लग रहा है. सो दैट आर नोन एज इडियम्स. सेकेंड है पुट टू एंड टू टुगेदर, दो दो को एक साथ में रखना, मतलब इनका मीनिंग क्या है? टू गेस द ट्रुथ, मतलब अब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, अगर हमने एक से सुना वो झूठ बोल सकता है, दो से सुना वो भी झूठ बोल सकता है, क्या सब झूठ थोड़ी ना बोल सकते हैं. सो पुट टू एंड टू टुगेदर, मीनिंग है टू गेस द ट्रुथ. थर्ड है ऑन ऑल फोर्स, मीनिंग विद वन हैंड एंड नीज ऑन द ग्राउंड, मतलब अगर हमें किसी ने हमारा एक ब्लंडर मिस्टेक किया और हमें उसे सॉरी बुलवाना है, सो हम क्या बोलेंगे? ऑन ऑल फ्लोर्स, यानी कि वो अपने, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है मीनिंग विद वन हैंड्स एंड नीज ऑन द ग्राउंड, अब वो झुक के बैठा यानी कि वो सॉरी मांग रहा है, उसको गिल्टी है, सो हम उसको बोल सकते हैं ऑन ऑल फ्लोर्स, वो मेरे सामने बैठा. ऑन ऑल फ्लोर्स मतलब कि ऑन हैंड्स एंड नीज ऑन द ग्राउंड. एट सिक्सेज एंड सेवन्स, मतलब कि वो सिक्सेज या सेवन्स उसे कन्फर्म नहीं है, सो दैट इज इन कन्फ्यूजन. अगर हमें कोई बात करनी है, मान लो कि वो स्कूल लास्ट टाइम कब आया था, एट सिक्सेज और सेवन्स, मतलब कि कन्फ्यूजन है अभी, मतलब क्लियर नहीं है. इन वंस एटीज, बिटवीन द एज ऑफ 80 to 90, वंस एटीज, अब एटीज चल रहे यानी कि 80 के बाद का, तो 80 और 90 के बीच की जो एज है दैट इज इन वंस एटीज. नेक्स्ट है 9 to 5. 9 to 5 क्या होता है? नॉर्मल ऑफिस आवर्स, अगर हम बोलेंगे 9 to 5 की जॉब है, मतलब हमारा नॉर्मल ऑफिस आवर्स यही रहता है कि 9 to 5. इसी तरह से 10 to 1. 10 to 1 क्या है? मोस्ट प्रोबेबली, नॉर्मली 10 to 1 का रहता ही रहता है, नॉर्मली जैसे मैंने अभी बोला, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली 10 to 1. एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब ऑन द लास्ट मोमेंट, भाई लास्ट मोमेंट पे उसको बोलना है, मतलब कि अगर मैम टेस्ट ले रही है तो शी ऑलवेज गिव्स हर टेस्ट ऑन एट द 11th आवर, वो हमेशा अपना टेस्ट कब देती है? एट 11th आवर, मतलब कि ऑन द लास्ट मोमेंट पे वो अपना टेस्ट देती है. लास्ट इज 2 is company, 3 is crowd, मीनिंग दो तो है वो अच्छा है, लेकिन 3 हो जाते तो भीड़ हो जाती है. तो 2 people enjoy spending time with each other, यानी कि 2 लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. अगर एक एक बैठे हैं तो बोर हो जाते हैं, सो 2 लोग साथ में, 2 लोग खेल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. सो मीनिंग है 2 people enjoy spending time with each other. सो बच्चे, आई थिंक दिस इज enough फॉर today's क्लास. यू हैव टू फिल योर बुक एंड अंडरस्टैंड what आई taught यू today. आपको सब कुछ समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या मैंने आपको समझाया है, सब समझना है बच्चे, और उसको अपने बुक में फिल करना है. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर बुक इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.